अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। तो एक तरफ अयोध्या में सजावट का काम जारी है, तो दूसरी तरफ पूरे देश भर में किस तरीके से जोश और जश्न का माहौल है और किस तरीके से पूरा देश राममय हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर गायक, भजन गायक कन्हैया मित्तल मौजूद हैं। कन्हैया जी, आपकी प्रसिद्धि एक भजन से हुई थी। उस भजन का अगर मैं नाम भी ना लूं तो दो लाइन आप उसकी गा के सुना दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए दरअसल आपकी पहचान आज भी उसी भजन से है। इसमें कोई दुराय नहीं है और मैं सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। हाँ, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मित्तल साहब, इस भजन के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि जिस तरीके से भजन गाया गया है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपके ऊपर आरोप तो लगे होंगे कि आप राजनीति से प्रेरित हैं कहीं ना कहीं। देखिए, आरोप लगते आए हैं लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैंने ये भजन उत्तर प्रदेश के लिए लिखा था और मुझे नहीं पता था उस समय चुनाव चल रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में राम जी का बहुत प्यारा मंदिर बना रायपुर में, मैं वहां से दर्शन करके जब बाहर निकला तो बाहर चाय पे लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम जी को ले आए। देखो, चाय पे चर्चा भी आप बीच में ले आए। नहीं, हो रही थी जो सत्य है, अब उसको लोगों ने राम के नाम को भी राजनीतिकरण किया हुआ है, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ। तो चाय पे चर्चा चल रही थी कि हम राम को ले आए और सामने योगी जी की तस्वीर लगी थी, तो मैंने बोला जब यहाँ राम को लाने वाले नेता हो सकते हैं तो पूरे देश में ऐसे नेता क्यों नहीं होने चाहिए जो राम को लेकर आए। और उस मंदिर के ऊपर भगवे थे बहुत सारे, तो मैंने वहीं दो लाइनें लिखी और देखिए भगवान की कृपा से दोनों लाइनें सत्य हुई। पहले जो गाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 2022 में योगी जी जीते, और दूसरी लाइन, दुनिया भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, आज पूरा भारत भगवामय हो रखा है। देखिए, आपने भजन गाया जो राम को लाए हैं, लेकिन अब राम आ रहे हैं जी, राम अयोध्या का सजकर तैयार है। तो इस खास मौके पर, क्योंकि आप जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप भी राम का प्रचार प्रसार किया है, तो क्या आपको निमंत्रण आया वहां से? बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है, कोई पूर्वजों के मेरे कर्म होंगे जिसके कारण मुझे भी चुना गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का, पूरी कमेटी का, हमारे विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे भी इस कार्यक्रम में होना चाहिए। सभी संतों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो जब कन्हैया मित्तल वहां जाएंगे राम जन्मभूमि पर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कन्हैया मित्तल वहां चुप बैठेंगे, तो वहां के लिए कुछ तो तैयार किया होगा। बिल्कुल तैयार किया, मैं सुना देता हूं जी। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने फिर से ये जोड़ा, आए भगवाधारी है मंदिर की तैयारी है, आए भगवाधारी है मंदिर की तैयारी है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ
स्वागत है आपका। और देखिए सिर्फ राजा राम का नहीं, महारानी सीता, वो महारानी सीता जिनका विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, वनवास में रावण हर के ले गया, वापस जब राज्याभिषेक हुआ तो दूसरे वनवास में भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महलों तक नहीं पहुंच पाई। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी स्वागत करें। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया, अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका।